अस्सलामुअलैकुम, नमस्कार, आदाब। मैं हूं आपका दोस्त निहाल अख्तर पयामी और आप देखना शुरू कर चुके हैं आपका अपना चैनल गांव मोहल्ला। दोस्तों, देश और दुनिया की तमाम तर खबरों के लिए हमारे साथ बने रहिए। मजलिसे इत्तेहादुल मुस्लिमीन की लोकप्रियता लगातार बढ़ती जा रही है। लगभग सभी दलों से लोग मजलिस की ओर कूच कर रहे हैं। जैसा कि कल हमने आपको बताया था कि किशनगंज जिला के बहादुरगंज विधानसभा से ताल्लुक रखने वाले सीनियर लीडर मंसूर आलम ने एमआईएम का दामन थामा। अब खबरें आ रही है कि बायसी विधानसभा के डगरवा से ताल्लुक रखने वाले अधिवक्ता यानी एडवोकेट अजीजुर रहमान ने मजलिस का दामन थामा है। अजीजुर रहमान के सियासी रसूख की बात की जाए तो कहा जाता है कि बायसी विधानसभा में वो जबरदस्त पैठ रखते हैं। पिछले विधानसभा चुनाव में रालोसपा के टिकट से किस्मत आजमा चुके हैं। राजनीतिक जानकारों की माने तो एडवोकेट अजीजुर रहमान के एमआईएम में शामिल होने से बायसी विधानसभा की सियासत में बड़ा उलटफेर होने की संभावना है। आपको बता दें कि अजीजुर रहमान से पहले कस्बा विधानसभा से ताल्लुक रखने वाली कंचन देवी ने पार्टी की मेंबरशिप ली थी। यही नहीं, पार्टी ने कंचन की मकबूलियत और काबिलियत को देखते हुए उन्हें पूर्णिया जिला का महिला अध्यक्ष नियुक्त किया है। पूर्णिया में पार्टी लगातार मजबूत होती जा रही है। लगातार लोग अलग अलग पार्टियों को छोड़कर मजलिस का दामन थाम रहे हैं। इस कामयाबी का श्रेय कुछ लोग पूर्णिया जिला अध्यक्ष शाहनवाज आलम को दे रहे हैं। हालांकि इस बाबत खुद शाहनवाज आलम का कहना है कि इसमें मेरा कोई कमाल नहीं है, बल्कि हमारे प्रदेश अध्यक्ष जनाब अख्तरुल ईमान साहब और राष्ट्रीय अध्यक्ष जनाब बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब का नेतृत्व है। हम तो बस एक सच्चे सिपाही की तरह पूरे दमखम के साथ पार्टी के लिए जी तोड़ मेहनत कर रहे हैं। कदम मिला करके चलूंगी और क्या होगी, कि ये गरीब परिवार क्या कर सकता है।
पूर्णिया के 22 विधानसभा से गांव मोहल्ला के लिए निहाल अख्तर पयामी की रिपोर्ट।